क्या होते हैं। देखिए बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया क्या? लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाई बच्चों कार्बन चेन। कार्बन चेन छोटी भी होती हैं और कार्बन चेन जो होती हैं बड़ी भी होती हैं। बोलो यस और नो। यस सर। ओके, कार्बन चेन बड़ी भी होती हैं और कार्बन चेन छोटी भी होती हैं। अब जैसे मान के चलो कि एक तुम्हारे पास कंपाउंड है CH4, ये एच है, ये एच है, ये एच है और ये क्या है, एच। इस कंपाउंड को बोलते हैं बच्चों मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। ओके, मीथेन CH4। बच्चों एक बात बताओ, कोई तुम्हारे आस पड़ोस में कोई इंसान या कहीं भी मान लो तुम्हारी क्लास में कोई बच्चा रहता है, कोई भी स्टूडेंट तुम्हारी क्लास में है, अगर जब तक पता नहीं रहता, मान लो वो कोई चीज़ जो मान लो किसी की चुरा लेता है, तो जब तक लोगों को पता नहीं होता है कि इसके अंदर चोरी का फंक्शन है, तब तक उसे सब लोग स्टूडेंट मांगते हैं मानते हैं। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। बट जैसे ही सबको पता चल जाता है कि इसने कोई चीज़ चुराई हुई है, तो उसे क्लास के चोर के रूप में फेमस कर देते हैं बच्चे। यस और नो। यस सर। हाँ ठीक है ना, मतलब वो फेमस हो जाएगा। ऐसे ही मान लो कोई इंसान बहुत अच्छा है, कोई इंसान मान लो बहुत अच्छा है, ओके, बट यदि वो एक कोई भी मतलब एक अल्कोहलिक ग्रुप अपने एक साथ जोड़ लेता है, ओके, तो वो इंसान की पूरी अच्छाई खत्म हो जाती है। फिर वो क्या बन जाता है, फिर वो कहलाता है कि वो अल्कोहलिक है। हाँ या ना। हाँ सर। हाँ हाँ सर। ओके, तो इसी तरीके से बच्चों आपके पास कोई कंपाउंड रहेगा, जैसे यहाँ पर देखिए आपके पास है क्या, यहाँ पर आपके पास है CH4, CH4, ये एच है, CH4 है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करता हूँ और बदले में मैंने बॉन्ड OH ऐड कर दिया। तो अब मेरे पास ये जो कंपाउंड बन गया वो क्या था, CHH, और यहाँ पर बन गया ये OH। जी हाँ, मतलब क्या हुआ, यहाँ का हाइड्रोजन रिमूव कर दिया और बदले में मैंने कौन सा ग्रुप जोड़ दिया, इसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आप बोल सकते हैं, ओके, या इसे अल्कोहलिक ग्रुप भी बोल सकते हैं। तो आपने यहाँ पर अल्कोहलिक जोड़ दिया है। अब बताइए अल्कोहल का ग्रुप लगने के बाद बच्चों इस पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टी बताइए, एज अ एल्केन रहेगी या एज अ अल्कोहल रहेगी, बताइए मुझे। ऐसा अल्कोहल। बिल्कुल सही, अल्कोहल। मतलब केवल एक हाइड्रोजन के रिप्लेस होने से पूरा का पूरा कार्बन चेन बाकी की वही है। देख लो ध्यान से, पूरी की पूरी कार्बन चेन जो है बाकी की कार्बन चेन है, जो CH3 आपको दिखाई दे रही है रेड सर्कल के अंदर, और एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आपने एक बॉन्ड OH जोड़ दिया है और आपका जो कंपाउंड बन गया है वो अल्कोहल बन गया है। किसकी वजह से, इस ग्रुप की वजह से। क्या था ग्रुप, OH, ओके, OH ग्रुप। ग्रुप मतलब जो खाली वैलेंसी लिया रहता है उसको ग्रुप बोलते हैं। तो ग्रुप, ये ग्रुप, ऐसा ग्रुप, और ग्रुप किसका बना होता है, ग्रुप या तो सिंगल एटम होगा या ग्रुप ऑफ एटम होगा। यहां पे क्या है, ये ग्रुप ऑफ एटम है क्योंकि ऑक्सीजन भी एटम है और हाइड्रोजन भी एटम है। तो ऐसे एटम, और यू कैन से ऐसे ग्रुप ऑफ एटम जो किसी कार्बन चेन में जुड़ने के बाद उस कार्बन चेन को अपना फंक्शन दे देते हैं। कितनी भी बड़ी कार्बन चेन हो बच्चों, एक कार्बन चेन में आपके सामने लिख रहा हूं CCCC, ये कार्बन चेन है। नाम इसका क्या है, 1 2 3 4 5, मतलब ये पेंटेन है। अब इतनी बड़ी कार्बन चेन के साथ CCCC केवल एक अल्कोहलिक ग्रुप जुड़ गया बच्चों, ये जो कंपाउंड रहेगा ना ये अब पेंटेन नहीं रहेगा, अब इसके फंक्शन हो जाएंगे पूरे कैसे, अल्कोहल वाले, ये नशीला हो जाएगा, नशीला। समझ गए ना, पहले ये नशीला नहीं था, 5 कार्बन थे बट एक छोटी सी मछली, ये देखो आपने OH ने पूरे के पूरे तमाम इसके कार्बन के नेचर को बदल दिया, अब ये बन जाएगा एल्कोहल। क्या बन जाएगा बच्चों, एल्कोहल। समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। हाँ,
तो क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप? क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप? ऐसे ग्रुप होते हैं जो किसी कार्बन चेन से जुड़ने के बाद पूरी की पूरी कार्बन चेन की प्रॉपर्टी को बदल देते हैं, और कंपाउंड की प्रॉपर्टी फंक्शनल ग्रुप पे ही डिपेंड करती है। जैसे यहां पर जो कंपाउंड है उसकी प्रॉपर्टी पूरी अल्कोहल वाली प्रॉपर्टी होगी। कैसी वाली प्रॉपर्टी? अल्कोहल वाली। जैसे एग्जाम्पल में बात करूं, पेंटेन अगर आप देखें तो पेंटेन पानी में नहीं घुलेगा, पेंटेन पानी में नहीं घुलेगा, बट ये अल्कोहल हो चुका है इसलिए ये पानी में डिजोल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी में डिजोल्व होना किसकी प्रॉपर्टी थी? अल्कोहल की। और अब प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? अल्कोहल ग्रुप है। ऐसे ग्रुप को जो किसी कार्बन चेन को अपना पूरा का पूरा फंक्शन दे देता है, ऐसे ग्रुप को हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। कहो, समझ में आ गया? यस सर। ओके। तो ऐसा ग्रुप जो होता है वो फंक्शनल कहलाता है। यस, पढ़िए स्वास्ति, व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? पढ़ो। एटम, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स विच प्रोवाइड सर्टेन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज व्हेन अटैच्ड टू अ कार्बन चेन इज कॉल्ड अ फंक्शनल ग्रुप। ऐसे ग्रुप, ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो कार्बन चेन से जुड़ने के बाद कार्बन चेन को अपनी पूरी प्रॉपर्टी दे देते हैं, उसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। ये किससे जुड़ेंगे? ये कार्बन चेन से जुड़ेंगे। इनकी वैलेंसी कितनी होती है? जनरली इनकी वैलेंसी 1 होती है, क्योंकि एक हाइड्रोजन लगेगा तो एक वैलेंसी खाली होगी, तो उसकी जगह ये जाकर के जुड़ जाएंगे। बोलो यस और नो, यस सर। समझ में आ गया ये वाला लाइन कि नहीं आया? एक वैलेंसी खाली होगा तो जुड़ जाएंगे वहां जाके। हाँ सर, आ गया सर। ओके, समर्थ, क्लियर हुआ? यस तो सारे सर। फंक्शनल ग्रुप की वैलेंसी 1 होती है। नहीं, सारे फंक्शनल ग्रुप की वैलेंसी 1 नहीं होती, जनरली सबकी 1 होती है। केवल एक कीटोन हमारे सिलेबस में है जिसकी वैलेंसी 1 नहीं है, बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप की वैलेंसी 1 है। हमें जो फंक्शनल ग्रुप पढ़ने हैं जो हमें सिलेबस में है वो कौन कौन से हैं? पहला है ग्रुप एक्स, बॉन्ड एक्स, मतलब 1 वैलेंसी खाली है इसकी, यहाँ से अटैच होगा बॉन्ड एक्स। इसे बोलते हैं हैलो। कौन सा ग्रुप है ये? हैलो ग्रुप, या इसका नाम है हैलोजन ग्रुप। ओके, ये हैलोजन ग्रुप है। अब आप कहोगे सर इसका नाम हैलो क्यों है, ये हैलोजन इनके नाम क्यों है, इनके अंदर कौन कौन आते हैं? तो एक्स इनका जनरल नेम है। सर हाँ बेटा। सर मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। हाँ तो ये हेलोजन वेलोजन ये डिलीट नहीं हुआ है? नहीं, ये मैंने नहीं देखा है कि डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ है, आप देख लेना, मैं तो पूरा पढ़ा रहा हूं ठीक है सर। और पूरा पढ़ लो। ये कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर साइंस लेके पढ़ना है आगे हाँ सर, तो मुझे इसको मत पता है, छोड़ो, मैं है ना बस बेटा? पूछ रहा था, हाँ मुझे नो, लगा आपको पता होगा। नहीं मैंने देखा भी नहीं बेटा, इस बार का तो सिलेबस मैंने देखा भी नहीं टर्म 2 का कि क्या डिलीट हुआ है। चलिए तो बच्चों, सर हेलो। नोमेनक्लेचर पूरा डिलीट हुआ है। अच्छा, नॉमन क्लेचर डिलीट हुआ है, बट पढ़ लीजिएगा बच्चों। अब तो मैंने स्वास्थ्य नॉमन क्लेचर तो बहुत बढ़िया पढ़ाई दी आपको, है ना? हाँ सर, चलिए, वो बहुत काम तो में वहां से आएगा। लेके पूरा एंड तक। अच्छा, एंड तक डिलीट है? यस सर, बस होमोलोगस सीरीज तक आना है। अच्छा, चलिए ठीक है फिर। तो ये हेलोजन है, तो हेलोजन की जगह कौन कौन से एलिमेंट जुड़ सकते हैं बच्चों? याद रखिएगा, हेलोजन की जगह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जैसे यहाँ पर एक्स का नाम हेलोजन होता है और एक्स बॉन्ड को मैं बोलता हूँ हेलो ग्रुप, तो अगर आप क्लोरीन जोड़ेंगे तो नाम होगा क्लोरो ग्रुप, अगर फ्लोरीन जोड़ेंगे तो मतलब इसका नाम होगा फ्लोरो ग्रुप, अगर आप ब्रोमीन जोड़ेंगे तो ब्रोमो ग्रुप। मतलब अगर आप बात करें बॉन्ड सीएल की तो ये क्लोरो ग्रुप है, अगर आप बात करें बॉन्ड बीआर की तो ये ब्रोमो ग्रुप है, अगर आप बात करें बॉन्ड आई की तो ये आयोडो ग्रुप है, और अगर आप बात करें बॉन्ड एफ की तो ये फ्लोरो ग्रुप है। क्लियर? तो ये ग्रुप्स हैं, जब इनकी वैलेंसी खाली है तो ये ग्रुप कहलाएंगे, और यदि इनकी वैलेंसी खाली नहीं है इसका मतलब ये अपने आप में कंप्लीट कंपाउंड होंगे। जैसे Cl2 तो ये कहलाएगा क्लोरीन, Br2 ये कहलाएगा ब्रोमीन, I2 मतलब आयोडीन, और F2 का मतलब फ्लोरीन।
बट वैलेंसी खाली होने के बाद ये ग्रुप बन जाएंगे क्लोरो ग्रुप, ब्रोमो ग्रुप, आयडो ग्रुप, फ्लोरो ग्रुप। समझ में आया बच्चों? यस सर। अब किस तरीके से काम करेंगे देखिए, एक बार देख लेते हैं कैसे काम करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको बनाना है क्लोरो ग्रुप का कंपाउंड, तो आपके पास क्या है, CH4 है, ये है H, ये है H, ये है H और ये भी H। आप क्या करेंगे, आप एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे और एक क्लोरीन को अटैच कर देंगे, तो ये बन जाएगा C, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है और यहाँ पर आ जाएगा Cl। तो ये आपका बन चुका है कंपाउंड। ओके, क्लोरीन ग्रुप जुड़ने के बाद, क्लोरो ग्रुप जुड़ने के बाद ये बन चुका है आपका कंपाउंड। इसका नेमिंग करना भी हम आपको सिखाएंगे, बट अभी हम आपको सबसे पहले पढ़ा रहे हैं फंक्शनल ग्रुप। तो आपने सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप क्या देख लिए, आपने सबसे पहले देख लिए फंक्शनल ग्रुप जिनका नाम है हेलो। इनके सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप आपने देख लिए जिनका नाम है हेलो। हेलो ग्रुप में क्लोरो ग्रुप भी बना, ब्रोमो ग्रुप भी बना और फ्लोरो ग्रुप भी बना और आयडो ग्रुप भी बना। चारों के कंपाउंड बिल्कुल एक जैसे होते हैं और आपकी वर्किंग भी एक जैसी होती है। इनको हम थोड़ी देर में सिखा देंगे। अगला फंक्शनल ग्रुप होता है बच्चों बॉन्ड OH। यस, अगला फंक्शन ग्रुप है बच्चों बॉन्ड OH। O के साथ डैश लगा के H लिखें, बात बराबर है, ना भी लिखें तो बात बराबर है। अगला ग्रुप लिख लें डायरेक्टली आप लोग बॉन्ड OH। बॉन्ड OH का नाम है एल्कोहलिक ग्रुप। इसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी बोल सकते हैं या इसे एल्कोहलिक ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या दिया गया है, प्रिफिक्स मतलब इसकी नेमिंग का है। तो याद रखिएगा, अगर हेलोजन बनता है तो नेमिंग में प्रिफिक्स यूज होता हेलो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयडो। और एल्कोहल में प्रिफिक्स यूज नहीं होगा, एल्कोहल में सफिक्स यूज होगा जिसका नाम है ओएल, ऑल। एल्कोहल में जो सफिक्स यूज होगा उसका नाम है ऑल। सिमिलरली अगर मैं बात करूं एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड का ग्रुप का फॉर्मूला देखें, अभी आपने देखा किसका, एल्को का, ये एल्कोहेलिक ग्रुप था जिसका फंक्शनल ग्रुप था बॉन्ड OH। फिर देखते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड भी एक कंपाउंड बनता है, तो एल्डिहाइड ग्रुप का फॉर्मूला होता है बच्चों बॉन्ड CHO, बॉन्ड CHO। अब आप इसकी बॉन्डिंग देख लीजिए कैसी होती है, कार्बन की एक वैलेंसी यहां होती है, एक वैलेंसी यहां होती है और डबल बॉन्ड O से भरा होता है, तो ये कहलाएगा बॉन्ड CHO, मतलब इस बॉन्ड से वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी, ये कहलाता है एल्डिहाइड ग्रुप। दूसरा ग्रुप देखें जिसका नाम है कीटोन ग्रुप, या इसे कीटोनिक ग्रुप भी कहते हैं। ओके, यहाँ पे शायद कीटोन ग्रुप, हाँ बिल्कुल सही, एल्कोहल पढ़ा दिया, एल्डिहाइड बता दिया, अब देखिए कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप का जो फॉर्मूला होता है ये डबल वैलेंसी होता है। कीटोन ग्रुप का फॉर्मूला होता है सी पर डबल बॉन्ड ओ, और राइट में भी वैलेंसी खाली है, लेफ्ट में भी वैलेंसी खाली है, सी डबल बॉन्ड ओ, दिस इज कॉल्ड कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप के बाद बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का फॉर्मूला देखें, डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर ओ और यहाँ पर एच, ये देखिए ये कहलाता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। एक वैलेंसी इसकी खाली है और इसे सिंपल नेमिंग में लिखा जाता है COOH, ये कहलाता है बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, मतलब जो इसके साथ जुड़ेगी कार्बन चेन, कार्बन चेन जुड़ने के साथ ही ये क्या कंपाउंड बनाएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपाउंड बनाएगा। यहां पर क्या बनाएगा, एल्डिहाइड बनाएगा। यहां पर क्या बनाएगा, ये जुड़ेगा तो कीटोन बनाएगा, और यहां पर क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस। देखिए एल्डिहाइड में नेमिंग में सफिक्स में आएगा अल, कीटोन में नेमिंग में आएगा ओन, और कार्बोक्सिलिक एसिड के नेमिंग में आएगा ओइक एसिड। ये प्रेफिक्स और सफिक्स आपको याद करने पड़ेंगे, अभी मैं आपको इनकी नेमिंग सिखा देता हूं। क्लियर बच्चों? यस सर। समर्थ तुम्हें भी बोला करो बेटा, क्लियर की नॉट क्लियर? हाँ सर। चलिए अब हम सबसे पहले ग्रुप की बात करते हैं बच्चों जिसका नाम है हेलोजन ग्रुप, यानी कि हम हेलोजन के कंपाउंड आपको बना करके दिखाएंगे। अभी अभी मैंने आपको हेलोजन का एक कंपाउंड बना करके दिखाया था, सेकंड समझ गया ना, एक कंपाउंड मैंने आपको बना करके दिखाया था जो था CH3Cl। मैं आपके लिए उसको दोबारा बनाता हूँ उस कंपाउंड को, आइए देखते हैं कैसे बनेगा। आपके पास कंपाउंड है CH4, ये है C, चार बॉन्ड है H,
एच एच और एच। यहां पे से हाइड्रोजन को रिमूव करना है और हेलो ग्रुप को ऐड करना है। हेलोजन ग्रुप को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा सी एच 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 और यहां पे आएगा एक्स, जिसको आप लिख सकते हैं क्या सी एच थ्री एक्स। मैं इसकी नेमिंग बताने वाला हूं। तो नेमिंग में आपने देखा था कि जो एक्स लगता है वो प्रेफिक्स यूज होता है, तो एज ए प्रेफिक्स एक्स को क्या बोलते हो हेलो। अगर क्लोरीन होगा तो क्लोरो, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो, आयोडीन होगा तो आयोडो। तो मैं सबके अलग एग्जाम्पल ना लेकर के मैंने जनरली एक्स का एग्जाम्पल ले लिया, तो आप समझ गए हेलो। इसके बाद क्या करना है आपको, कार्बन काउंट करने हैं। तो कितना कार्बन है, एक। एक कार्बन का एल्केन क्या होता है, मीथेन। तो इसका नाम होगा हेलो मीथेन। इसका नाम क्या पड़ेगा, हेलो मीथेन। आइए देखते हैं एक कंपाउंड। अब ये एक्स तो सबके लिए यूज होता है, एक पर्टिकुलर कंपाउंड की बात करता हूं मैं। तो एक पर्टिकुलर कंपाउंड मेरे पास, मान लीजिए मेरे पास है मीथेन, और मीथेन में से मैंने एक एच को रिमूव किया और सीएल को ऐड कर दिया। तो यहां पे सी एच 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 और यहां पे बन सीएल, जिसको आप इन शॉर्ट लिख सकते हैं सी एच थ्री सी एल। तो इसका नाम बिल्कुल इसको देख करके बताइए, यहाँ पे एक्स की जगह हेलो यूज़ करते थे, बट हेलो की जगह एक्चुअली कौन यूज़ हो रहा है, क्लोरीन। तो इसका नाम बनेगा क्लोरो। क्लोरो कार्बन कितने हैं, एक। तो एक कार्बन का नाम होगा मीथेन, तो नोट करिए इसका नाम क्लोरोमीथेन। दिस विल बी क्लोरोमीथेन। डन। यस सर। अगर यहाँ पे क्लोरीन की जगह फ्लोरीन आया होता तो इसका नाम होता फ्लोरोमीथेन। अगर ब्रोमीन आया होता तो इसका नाम होता ब्रोमोमीथेन। क्लोरोमीथेन, फ्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन। और अगर आयोडीन आया होता तो इसका नाम होता आयोडोमीथेन। कुछ भी हो सकता है, नाम जुड़े हुए प्रेफिक्स से तय होगा कि वो कौन सा हेलोजन है। डन, समर्थ। यस सर। यस चलिए, सर। ये इसकी जनरल वर्किंग है। तो हेलोजन ग्रुप ऐड करेंगे तो सी एन एच टू एन प्लस टू, मतलब कि एल्केन। एल्केन का एक हाइड्रोजन निकल गया तो एक हाइड्रोजन टू एन प्लस वन बचे, और वन के साथ एक्स जुड़ गया, तो ये बन गया इसका जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूले से हमें ज़्यादा मतलब नहीं है, हमें मेन इन कंपाउंड से मतलब है। स्वास्थी बताइए, पहले वाले का नाम बोलो क्या होगा, क्लोरोमेथेन, दूसरे का ब्रोमो मीथेन, ब्रोमो मीथेन, मीथेन क्यों होगा, कितने कार्बन हैं। सॉरी सर, इथेन, टू हाँ, कार्बन्स, ब्रोमो इथेन। तीसरे का नाम क्या होगा, आइडो प्रोपेन। एग्जैक्टली, आयडो प्रोपेन। तो आपसे नाम बनने लगे, बहुत अच्छी बात है। इस तरीके से आपने पहले वाले कंपाउंड के नाम देख लिए। अब दूसरे वाले कंपाउंड के नाम देखते हैं। दूसरे वाले कंपाउंड में मैंने आपको बताया था कि इसमें सफिक्स जोड़ा जाएगा ऑल। ओके, तो क्या करना है आपको, बहुत ही सिंपल है। इसमें प्रेफिक्स क्या होगा, जो एल्केन यूज होता है कार्बन चेन का, एल्केन, एल्केन का ई हटा करके आपको ऑल जोड़ना है, तो नाम बनेगा एल्केनॉल। नाम बन जाएगा एल्केनॉल, ठीक है ना, एल्केनॉल नाम इसका बन जाएगा। चलिए पढ़िए, हेडिंग पढ़िए स्वास्ति। एल्कोहल बॉन्ड ओएच, बॉन्ड ओएच कॉल, बॉन्ड ओ एच इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप हाइड्रोक्सिल व्हेन अ ग्रुप, हाइड्रोक्सिलिक हाइड्रोक्सिलिक नहीं बेटा, हाइड्रोक्सिल। हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड विद कार्बन बैकबोन लाइक एल्केन्स, दे आर नेम्ड एज एल्कोहल, यस। अब सी इसको एन छोड़ एच दीजिए, टू इससे कोई एन मतलब प्लस नहीं है, टू एक हाइड्रोजन कम हो गया है। सीधे फॉर्मूले में आइए, मुझे बताइए सी एच थ्री ओ एच का नाम क्या बनेगा। मैं बता देता हूँ, मीथेन होता है तो मीथेन का ई हटाइए और ओ एल जोड़ दीजिए, तो बन गया मिथेनॉल। क्या बन गया बच्चों, मिथेनॉल। क्लियर है। यस सर। सेकंड का नाम बताइए, कितने कार्बन है, टू दो कार्बन से क्या बनेगा, इथेनॉल, एथेनॉल। तीन कार्बन से क्या बनेगा, प्रोपेनॉल, फोर कार्बन से क्या प्रोपेनॉल, बनेगा,
ब्यूटेनॉल, 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 बिल्कुल सही। तो ये अल्कोहल की भी नेमिंग आपको इतनी आनी चाहिए, अल्कोहल की इतनी नेमिंग काफ़ी है। देन इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों एल्डिहाइड की, कि एल्डिहाइड की नेमिंग कैसे होती है। तो बच्चों एल्डिहाइड में आपको जोड़ना पड़ता है एक सिंपल नेम अल। एल्डिहाइड के लिए आपको नाम जोड़ना पड़ेगा अल, ठीक ना, अल। तो मैं कुछ एल्डिहाइड के एग्जाम्पल लिख देता हूँ, आपको टोटल काउंट जो करने पड़ेंगे कार्बन, और उसके बाद आपको जोड़ना पड़ेगा अल। तो चलिए मैं आपको लिख देता हूँ एक फॉर्मूला, CH3 में जोड़ दिया मैंने CHO, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप होता है CHO, तो CH4 से एक एच निकालूंगा तो बचेगा CH3, और CH3 में जोड़ दिया मैंने दो एक कार्बन तो बन गया CHO, CH3 CH, चलो टोटल कार्बन काउंट करो दो, दो कार्बन का एल्केन होगा मीथेन, और मीथेन का ई हटा करके जोड़िए अल। बेटा फॉर्मूला, सॉरी गलती हो गई, दो कार्बन का एल्केन मीथेन थोड़ा ना होगा, इथेन होगा, तो इथेन में जोड़ेंगे अल, तो ये बन जाएगा इथेनल। समझ में आया? यस सर। हाँ, तो यहां पर आपने दो कार्बन देख लिए, दो कार्बन देख करके इसका नाम आपने क्या बता दिया, इथेनल। चलिए सेकेंड मुझे कंपाउंड बताइए बच्चों, CH3 CH2 CHO, इस एल्डिहाइड का नाम बताइए IUPAC क्या होगा? प्रोपेनल। बिल्कुल सही, इसका नाम होगा प्रोपेनल। तो ये हो गया एल्डिहाइड का, इसके इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रोपेनल। वेरी गुड, यस। तो आपने देखा एल्डिहाइड का देख लिया आपने, ओके। अब देखते हैं कीटोन के फॉर्मूले। तो कीटोन में कितने वैलेंसी होती है? कीटोन में दो वैलेंसी होती है, मतलब दोनों तरफ आपको ग्रुप्स में वैलेंसी सेटिस्फाई कराने के लिए कुछ जोड़ना पड़ेगा, यस। आइए देखते हैं कीटोन का एग्जाम्पल बना करके। तो कीटोन में कैसे काम करेगा कीटोन का फॉर्मूला देखते हैं। ये है हमारे पास कीटोन का फॉर्मूला, कीटोन का क्या होता है, कीटोन का ग्रुप डबल बॉन्ड ओ, इधर भी वैलेंसी खाली और इधर भी वैलेंसी खाली। तो एक वैलेंसी का एल्किल ग्रुप यहां से भी जोड़ दीजिए और एक वैलेंसी का एल्किल ग्रुप यहां भी जोड़ दीजिए। अब कैसे काम करता है, मैंने बताया था आपको कि जो कार्बन की चेन है AlkaNe, एल्केन में ई हटा करके जोड़ दीजिए वन। तो वन बोलते हैं, पढ़ते वन है ऐसे, बट ये होता है एक्चुअली, लिखते वन है मगर होता है इसका ओन, ओन बोलते हैं। तो इसका नाम मुझे बता सकते हो क्या होगा बच्चों? तीन कार्बन है, बताइए इसका नाम क्या होगा? प्रोपेनोन। बिल्कुल सही, इसका नाम होगा प्रोपेनोन। तो यहां पर आपके तीन कार्बन है, एक एल्किल ग्रुप आपने यहां जोड़ा, एक एल्किल ग्रुप आपने यहां जोड़ा, टोटल तीन कार्बन में बना दिया आपने, तो ये बन गया प्रोपेनोन। चलिए अगला फॉर्मूला बताएगा समर्थ, समर्थ बताइए, बताइए इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा बताइए? इस कंपाउंड, बिल्कुल सही, वेरी, ब्यूटेनॉन बोल रहे हो, ब्यूटेनॉन बोल रहे हो? अरे सर ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल गलत है बेटा, ब्यूटेनॉल नहीं होगा, ये अल्कोहल नहीं है, ये ब्यूटेनॉन है, यस, NONE, ओके। सो दिस इज ब्यूटेनॉन, क्योंकि दो तीन चार, चार कार्बन का एल्केन होता है ब्यूटेन, और अभी अभी मैंने आपको बताया ई को रिमूव करिए, ओन को जोड़ दीजिए, तो ये बन जाएगा ब्यूटेनोन। बोलो समझ में आ गया बच्चों? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ब्यूटेनोन का। डन सर। चलिए तो इस तरीके से आप एल्डिहाइड के सर, बाद, दो मिनट सर। हाँ जी बेटा, तो इस तरीके से एल्डिहाइड के बाद आप कीटोन की भी नेमिंग कर सकते हैं। ओके बेटा, चलिए तो इस तरीके से आप इसकी नेमिंग कर सकते हैं। इसमें याद रखिएगा कि इसमें दो एल्किल ग्रुप जुड़ते हैं, अभी तक आपने बाकी कंपाउंड देखे थे सब में एक एल्किल ग्रुप जुड़ता है, मगर इनमें दो एल्किल ग्रुप जुड़ते हैं, एक लेफ्ट में और एक राइट में, ओके। एल्किल ग्रुप को बच्चों आर बॉन्ड से शो किया जाता है, जो जुड़ते हैं इधर, इनको बोलते हैं एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप,
और इन्हें किससे शो किया जाता है, आर बॉन्ड से। तो इसका जनरल कंपाउंड बनेगा सी डबल बॉन्ड ओ, यहां भी आर और यहां भी आर, मतलब दोनों तरफ एल्किल ग्रुप जुड़ेंगे, इधर भी आर होगा, लेफ्ट में भी आर और राइट में भी आर। क्लियर? चलो बन जाएगा। चलिए अब नाम बताइए बच्चों। यस, पहले कंपाउंड का नाम बताओ बेटा, क्या है पहले वाले का? कितने कार्बन? तीन कार्बन में ओन, बोलो क्या बनेगा? प्रोपेनोन। प्रोपेनोन, बिल्कुल सही, ये प्रोपेनोन है। और इसका कॉमर्शियल नेम, बाजार में जाएंगे तो ये एसीटोन के नाम से मिलेगा। एसीटोन। और ये एसीटोन वही है बच्चों जो आप जो होता है जिससे पहले मतलब वो नेल पॉलिश छुटाने के लिए, जो साफ करने के लिए आता रहा है, टिंचर थिनर जिसको बोलते हैं, है ना, उससे एसीटोन हुआ करता रहा। चलिए नेक्स्ट, अगला कंपाउंड बताइए क्या है। चार कार्बन है, बताइए क्या है ये? ब्यूटेनोन। ब्यूटेनोन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है बच्चों? पेंटोनोन। ठीक है ना। लास्ट ग्रुप की तरफ चलते हैं बच्चों। लास्ट ग्रुप है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ कंपाउंड बना करके देखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप क्या होता है? सी डबल ओ एच, और एक वैलेंसी खाली है, यहाँ पे कौन जुड़ेगा? आर। आर मतलब एल्किल ग्रुप, आर मतलब एल्किल ग्रुप। तो आइए देखते हैं, पहला कंपाउंड है, मैं आर की जगह सी एच थ्री जोड़ दूँ, सी एच थ्री सी डबल ओ एच। तो इसका तरीका क्या होता है नाम का? एल्केन का ई हटा करके आपको लास्ट में जोड़ना है ओइक एसिड। क्या जोड़ेंगे? ओइक एसिड, मतलब सी डब्ल्यू एच के लिए आपको सफिक्स जोड़ना है ओइक एसिड। तो यहां पर दो कार्बन है, वन टू, तो दो कार्बन का एल्केन बनेगा ओइक एसिड। ओइक एसिड, तो यहां पर दो कार्बन का कंपाउंड बनेगा इथेन। इथेन का ई हटा करके जोड़िए ओइक एसिड। बोलो बच्चों कंपाउंड का नाम क्या होगा? इथेनोइक एसिड। क्या नाम होगा? इथेनोइक एसिड। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड में आपको दे रहा हूं सी एच थ्री सी एच टू सी ओ ओ एच। चलिए बताइए इसका नाम क्या होगा? प्रोपेनोइक एसिड। बिल्कुल सही, प्रोपेन का ई हटा करके प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। चलिए अगला कंपाउंड में दे रहा हूं आपको एच सी ओ ओ एच, बताइए इसका नाम क्या है? ब्यूटेनोइक। कहां ब्यूटेनोइक दिख गया मेरे भाई? चार कार्बन तुम्हें कहां दिख गए? एग्जैक्टली, ये है बच्चों मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड बच्चों, इसका कॉमन नाम होता है फार्मिक एसिड। और ये वही एसिड है जिसकी वजह से अगर आपको कभी चींटी ने काटा हो, या वो जो बर्र होती है, बर्रैया है ना, उसने काटा हो आपको, किसी भौरे ने काटा हो, तो अगर आपको बहुत जोरों का दर्द हुआ है, या लाल वाली चींटी या मधुमक्खी ने काटा हो, तो ये जो दर्द होता है ये मिथेनोइक एसिड की वजह से ही होता है। वो जा करके आपके ब्लड में मिथेनोइक एसिड इंजेक्ट कर देती है, इस वजह से आपको पेन होता है। दूसरा एसिड ये जो है, ये इथेनोइक एसिड है, सॉरी ऊपर वाला एसिड जो है आपका इथेनोइक एसिड सी एस थ्री सी डब्ल्यू एच, जिसमें दो कार्बन है बच्चों, इसे सिंपल नेम में आप मार्केट में खरीदते हैं इन द फॉर्म ऑफ विनेगर। ये जो कहलाता है आपका, ये विनेगर कहलाता है जिस एसिड को आप खरीदने जाते हैं, इथेनोइक एसिड। नोट कर लीजिए, ये विनेगर है जो आपके चाउमीन में डलता है। डन यस। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड आपने देख लिया, इसमें एल्किल ग्रुप से जुड़ेगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड में एक होता है कार्बन, वैसे इसको लिखते हैं सी ओ ओ एच, मगर इसकी यदि कंप्लीट स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो सी पे डबल बॉन्ड ओ, कार्बन पे एक सिंगल बॉन्ड ओ और ऑक्सीजन पे एक सिंगल बॉन्ड एच, ये इसकी वैलेंसी हुआ। ओके, सो ये हो गया। चलिए अब बात करते हैं इसके नाम की। देखिए सबसे पहला कंपाउंड, आईयूपीएसी नाम बताइए इसका बेटा, स्वास्थ्य नाम बताइए आईयूपीएसी, मिथेनोइक एसिड। सेकंड का नाम बताइए, इथेनोइक एसिड। और थर्ड का नाम, प्रोपेनोइक एसिड। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर आपके कंपाउंड्स जो होते हैं कार्बन के, जो आपको मैंने बताया फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे फिनिश होते हैं,
अब इस चैप्टर का लास्ट पार्ट शुरू होता है बच्चों, हेडिंग डाल लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन के कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज हम पढ़ने जा रहे हैं। और कार्बन की प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी है कंबशन। बच्चों चाहे कार्बन का कोई भी कंपाउंड हो, यस बेटा बोलो। सो अल्कोहल ग्रुप का आप एक बार प्लीज फिर से रिपीट कर दीजिए। बिल्कुल रिपीट कर देते हैं। देखिए अल्कोहल ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप होता है बॉन्ड OH, और ये एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ता है तो कंपाउंड बनेगा ROH। ओके, और ROH को नाम क्या होगा, एल्केन का ई हटा करके आपको जोड़ना पड़ेगा OL, तो ये बन जाएगा एल्केनॉल। क्लियर? यस सर। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एल्किल ग्रुप का पहला सबसे छोटा मेंबर CH3, और CH3 के साथ जोड़ दीजिए OH, तो इसका नाम क्या होगा, एक कार्बन है मतलब मीथेन, और मीथेन का ई हटा करके ऑल जोड़ दीजिए मीथेनॉल। दूसरा, दो कार्बन का कंपाउंड होगा C2H5, एथिल ग्रुप, और एथिल ग्रुप का OH लगा दीजिए, बन गया इथेनॉल। ओके, तीन कार्बन का क्या होता है, प्रोपेन। प्रोपेन का फॉर्मूला होता है C3H8, तो एक हाइड्रोजन बता दो, हटा दोगे तो क्या बन जाएगा, प्रोपिल C3H7 और OH, तो इसका नाम क्या बनेगा, प्रोपेनॉल। बोलो स्वास्थ्य, अब समझ में आ गया कि नहीं आया? यस सर। ओके, सो दिस इज डन, ये आपकी एल्कोहल सीरीज हो गई। चलिए अब बात करते हैं, बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। ओके, दो चलिए। मिनट सर। हाँ जी बेटा। डन सर। ओके चलिए, अब देखिए, अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन और इसके कंपाउंड की बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज, बड़ी सुंदर सुंदर प्रॉपर्टीज हम पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कार्बनिक कंपाउंड को जलाना, मतलब उनका कंबशन करना। चलिए पढ़िए स्वास्ति, बर्निंग। बर्निंग ऑफ कार्बन और इट्स कंपाउंड्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड कंबशन। इन कंबशन प्रोसेस मेनली टू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। पढ़िए, C+O2 C+ टेंस टू O2 गिव CO2। कार्बन में ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो आपको प्योरली क्या मिलती है, CO2 मिलती है, मेन फंडा ये है। बट आपको कार्बन प्योर तो मिल नहीं रहा यहाँ पे, अगर प्योर कार्बन मिल जाए तो चलो अच्छी बात है, बट यदि प्योर कार्बन नहीं मिलेगा तो आपको कंपाउंड फॉर्म में मिलेगा बच्चों। तो कंपाउंड फॉर्म में देखिए आपको कैसे ऐड करेंगे, ये रिएक्शंस आप पढ़िए और इनको याद करिए। CH4+2O2 इक्वल टू CH2CO2+2H2O+ एनर्जी, मतलब मीथेन में अगर आप वाटर से इसको ट्रीट करेंगे तो आपको मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। अगर आप इथेनॉल को पानी के साथ मिलाएंगे, इथेनॉल CH3CH2OH, अगर आप उसमें वाटर मिलाएंगे तो आपको मिलेगा 4CO2+H2O+ एनर्जी, मतलब आप देख सकते हैं आपको हर बार कार्बन डाइऑक्साइड तो मिल ही रही है। बोलो क्लियर? यस सर। ओके पढ़िए, नोट मोस्ट। नोट, मोस्ट ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स आर यूज्ड एज फ्यूल एज दे रिलीज एनर्जी ऑन बर्निंग इन एयर। फॉर एग्जांपल मिथेन CH4 इज यूज्ड इन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG। ब्यूटेन C4H10 इज यूज्ड इन लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस LPG। ऑक्टेन C8H18 इज यूज्ड इन पेट्रोल एज द मेन कंपाउंड। एग्जैक्टली, तो देखिए ये जितने कंपाउंड हैं, मीथेन का इस्तेमाल जो होता है बच्चों CNG में यूज किया जाता है। अगर आप कभी दिल्ली लखनऊ इत्यादि गए हैं तो आपने देखा होगा वहाँ पर ग्रीन कलर के टेम्पो चलते हैं, जो ग्रीन कलर के टेम्पो होते हैं वो CNG का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उससे पॉल्यूशन कम होता है। कंप्रेस नेचुरल गैस का इस्तेमाल करते हैं, वो पेट्रोल का यूज़ नहीं करते हैं, वो उसमें CNG भरी होती है। दूसरा,
आजकल गैस वाली गाड़ियां भी चलती हैं जिनमें सीएनजी भरी जाती है। दूसरी ब्यूटेन की बात करते हैं, जो ब्यूटेन होती है C4H10, जिसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भी कहते हैं। तीसरी बात करते हैं ऑक्टेन की, तो ऑक्टेन जो होती है, ऑक्टेन का इस्तेमाल पेट्रोल में किया जाता है, पेट्रोल बनाने में ऑक्टेन का इस्तेमाल होता है। हाँ पढ़ो बेटा नेक्स्ट पॉइंट, सैचुरेटेड। Saturated hydrocarbons burn in air giving a clean blue flame. Unsaturated hydrocarbons burn in air giving a sooty flame with एग्जैक्टली, low lot of smoke. यस एग्जैक्टली। आपने दो तरीके की आज तक फ्लेम देखी होंगी। एक आपने देखी होगी ब्लू फ्लेम, जब आप गैस ऑन करते हैं तो गैस में बहुत क्लियरली ब्लू फ्लेम दिखाई देती है, बहुत प्यारी ब्लू कलर की फ्लेम गैस में जला करती है। तो जब ब्लू कलर की फ्लेम जो होती है गैस में, जो बर्न होती है गैस के बर्नर से जो निकलती है, ब्लू कलर की फ्लेम है, इसका मतलब जान जाइए आप कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न हो रहा है, अगर ब्लू कलर की फ्लेम है। इन केस आपने अगर मोमबत्ती कैंडल जलाई है तो देखा होगा कैंडल की जो फ्लेम होती है वो परफेक्टली ब्लू नहीं होती है, कैंडल की फ्लेम आपने देखी होगी येल्लो कलर की होती है। बोलो बच्चों यस कि नो। यस सर हाँ, तो कैंडल की फ्लेम येल्लो कलर की होती है, तो येल्लो कलर की इसलिए होती है क्योंकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न होता है, मतलब कैंडल का जो वैक्स बना होता है वो अनसैचुरेटेड यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन से बनता है, जो जलने के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, मगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बहुत ज़बरदस्त तरीके से जलता है। ओके, स्मोक कम प्रोड्यूस करता है और ब्लू फ्लेम से जलेगा, और जो चीज़ें ब्लू कलर की फ्लेम में जलेंगी उनमें तपन ज़्यादा होगी, मतलब उनकी हॉटनेस कहीं ज़्यादा होगी कंपेयर देन येल्लो फ्लेम। तो जो चीजें ब्लू कलर में जलती हैं उनकी हॉटनेस ज्यादा होती है। आई बात समझ में? हाँ सर यस। तो चीजें जो हैं ब्लू कलर में जलती हैं जब वो हाइड्रोकार्बन कैसा हो, सैचुरेटेड हो, और येलो कलर से जलती हैं जब हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड हो। एक और केस है जहां पर आपकी गैस जो होती है वो येलो कलर से जलने लगती है। देखिए मैं बताता हूं, आपकी गैस आपको येलो कलर से जलती जब भी दिखे, इसका मतलब समझ जाइए कि आपके जो गैस के बर्नर है उसकी सफाई करने का वक्त आ गया है। ये आपकी गैस का बर्नर हुआ करता है, ये आपकी गैस का बर्नर हुआ करता है, और उस बर्नर में आपने देखे होंगे छोटे छोटे होल हुआ करते हैं जिनसे गैस निकल करके बाहर आती है। ये छोटे छोटे होल क्यों होते हैं? ये छोटे छोटे होल इसलिए हुआ करते हैं कि इनसे गैस जो है परफेक्टली परफेक्ट अमाउंट में गैस बाहर निकल करके आए, और साथ ही साथ ऑक्सीजन भी बड़ी अच्छी अमाउंट में आपको मिले। ओके, तो एक्चुअली मेन काम इन होल्स का जो होता है, इसमें आके ऑक्सीजन बैठती है, इसमें ऑक्सीजन आया करती है, ऑक्सीजन आकर के बैठती है, तो ऑक्सीजन के लिए ये होल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अगर आपके ये होल्स साफ सुथरे हैं, गंदगी नहीं है इनमें, तब तो आपका कम्बशन बहुत अच्छा होगा, और यू कैन से कि परफेक्ट कम्बशन होगा, और आपको ब्लू कलर की फ्लेम मिलेगी। भले आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जला रहे हैं, अगर ये साफ सुथरे हैं तो ब्लू कलर की फ्लेम मिलेगी। बट यदि इनके अंदर गंदगी भरी हुई है, जैसे कुछ लोग टमाटर भूंजते हैं तो ऊपर गैस के बर्नर के भूंज दिए टमाटर, टमाटर का मसाला या जो भी उसके उसके लिक्विड वगैरह था वो उसके अंदर चला गया, अंदर जा करके वो जल गया, जलने के बाद वो उसने होल को पैक कर दिया। अब होल को पैक कर देगा तो वहां पर ऑक्सीजन नहीं आएगी, और ऑक्सीजन नहीं आएगी केवल गैस का कम्बशन होगा। उस समय देखिएगा आपका जो गैस का बर्नर है वो ब्लू नहीं जलेगा, उस समय आपके गैस के बर्नर से येल्लो कलर या रेड कलर की फ्लेम निकलेगी, अच्छी फ्लेम नहीं निकलेगी, येल्लो कलर की फ्लेम निकलेगी। समझ जाइए कि आपका जो कम्बशन हो रहा है वो इनकम्प्लीट हो रहा है। क्यों? क्योंकि कम्बशन तब अच्छा होता है जब आप इसको ऑक्सीजन की भरपूर सप्लाई देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो होती है वो जलने में सपोर्ट करती है, बट जब आप इसको ऑक्सीजन नहीं देंगे तो ये जलने में सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो इनकम्प्लीट कम्बशन होगा तो उस समय आपकी फ्लेम कैसी निकलेगी? येल्लो फ्लेम निकलेगी। यस, तो भले ही आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न कर रहे हैं मगर आपकी येल्लो फ्लेम निकलेगी, क्योंकि आप ऑक्सीजन की सप्लाई कम दे रहे हैं। समझ गए बच्चों?
सर, हाँ कभी कभी कॉकरोचेस भी चले जाते हो क्या हाँ कॉकरोच चले जाते छोटे हैं, छोटे? तमाम गंदगी चली जाती है। रोटी उसके ऊपर हम लोग रख करके सेकते हैं तो रोटी के जो आटे का पार्टिकल निकलता है वो पूरा भर जाता है, और वो जल जाने के बाद डस्ट बन जाता है, कार्बन बन जाता है, और इसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती है। तो आप भले ही सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बहुत अच्छा वाला हाइड्रोकार्बन यूज़ कर रहे हैं, मगर ऑक्सीजन ही नहीं है। तो ऑक्सीजन के बगैर तो बच्चों कम्बशन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमने बहुत छोटी क्लास में पढ़ लिया था कि ऑक्सीजन गैस जो है वो कम्बशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा मोमबत्ती वाला एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग थर्ड क्लास में, ऊपर से अंदर वो कुछ रख देते हैं, ग्लास रख देते हैं, तो जैसे ग्लास रखोगे तो ये मोमबत्ती बुझ जाती है, तो हमको पता चल जाता है कि जलने के लिए ऑक्सीजन गैस बहुत ज़रूरी है, बिना ऑक्सीजन गैस के जलाना किसी चीज़ को पॉसिबल नहीं है। चलिए, तो ऑक्सीजन अगर सप्लाई सफिशियंट देते हैं तो ऐसा कम्बशन कहलाता है सफिशियंट कम्बशन, कंप्लीट कम्बशन। बट यदि आप ऑक्सीजन की सप्लाई सफिशियंट नहीं देते हैं तो वो कहलाता है इनकम्प्लीट कम्बशन। बोलो यस और नो। यस सर, तो अगर आप ऑक्सीजन की सप्लाई बिल्कुल देते हैं, बहुत अच्छी देते हैं, तो वो कहलाता है कंप्लीट कम्बशन, और जब आप ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी नहीं देते हैं तो वो कहलाता है इनकम्प्लीट कम्बशन। अगर आप गैस बिल्डिंग कराने गए हैं तो गैस बिल्डिंग जो लोग करा करते हैं, आपने देखा होगा कि गैस बिल्डिंग करने वाले अपना जो गैस बिल्डिंग, जिस हथियार से गैस बिल्डिंग करते हैं, ओके, उसमें से इतनी बड़ी फ्लेम निकला करती है ब्लू सी कलर की, ओके। और देखा होगा इनके पास दो सिलेंडर हुआ करते हैं, एक गैस वाला सिलेंडर और एक साथ में ऑक्सीजन वाला सिलेंडर, और वो ऑक्सीजन को कंट्रोल करते हैं। जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं फ्लेम उतनी ज़्यादा ब्लू होती जाती है, उतनी खतरनाक होती जाती है। तो ये ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं कम्बशन को कंप्लीट बनाने में। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कम कर देते हैं तो फ्लेम छोटी हो जाती है, मतलब कंबशन जो होता है वो इनकम्प्लीट हो जाता है। बोलो क्लियर। यस सर क्लियर। यस, ठीक ना। आई होप आपने गैस बिल्डिंग लोगों को करते देखा होगा, यदि नहीं देखा है तो अपने यहाँ पे गूगल पे देखते हैं कि गैस बिल्डिंग किस तरीके की होती है। ओके, सर हाँ बेटा। वो कभी कभी पिज्जा वगैरह पे वो चीज डालते तो उसको गर्म करने के लिए भी, पिघलाने के लिए भी वो वैसा यूज नहीं, करते। मैंने वो तो नहीं देखा है कि वो लोग उस चीज़ को कैसे करते हैं। ओके, गैस बिल्डिंग जो है वो, उसको मैं आपको जलते दिखा देता हूँ कि गैस बिल्डिंग वो है। ये तो बिल्डिंग आ गई भाई, है ना। गैस कटर दिखाता हूँ कि जो गैस कटर होता है, CUTTER, अभी हमारे यहाँ पे पापा ने किया था वो उसे पिज्जा पे। अच्छा, तो मे बी हाँ, ये देखिए कुछ इस तरीके का गैस कटर आया करता है। ओके, और गैस कटर से जो फ्लेम निकला करती है, गैस कटर से फ्लेम निकाल करके उसको जो है, ये देखिए, ये एग्जैक्टली डायग्राम आपको दिखाया जा सकता है। ये देखिए, ये जो डायग्राम है, इससे गैस कटर से फ्लेम निकाल करके जो है चीज़ों को काटा जाता है ना, और ये इस तरीके से बर्न किया जाता है, बहुत तेज़ की इसमें से है ना फायर निकला करती है, गैस वेल्डिंग। इसको गैस वेल्डिंग बोलते हैं, एक्चुअली मैं बिल्डिंग कर रहा था, दिस इज़ वेल्डिंग। यस, गैस वेल्डिंग। इसमें आपको गैस वेल्डिंग में आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से गैस वेल्डिंग होती है। ये देखिए, ये गैस वेल्डर दिया गया है, और ये डायग्राम आपको थोड़ा सा स्पष्ट दिखाई देगा। ये देखिए, ये ब्लू कलर की फ्लेम है, और ये एक सिलेंडर गया हुआ है, और यहाँ पर एक और सिलेंडर होता है जो ऑक्सीजन का सिलेंडर रखा हुआ है। ये जो सेकेंड वाला दिख रहा है जिसके ऊपर हाथ है, ये ऑक्सीजन का सिलेंडर है लंबा वाला। तो इस ऑक्सीजन के सिलेंडर से निकलने वाली ऑक्सीजन को कंट्रोल करते हैं। देखिए यहाँ पे बना हुआ है, दो सिलेंडर रखे हुए हैं, देखिए डायग्राम में दो सिलेंडर हैं। एक सिलेंडर में ऑक्सीजन भरी होती है जो ब्लैक कलर का सिलेंडर है, और एक सिलेंडर में बच्चों जो गैस भरी होती है, जो गैस जलाने के लिए यूज की जाती है, उसका नाम है बच्चों एसिटिलीन, ACTYLEN, एसिटिलीन, ये गैस भरी होती है। और दोनों गैस के मिक्सचर को इसमें यूज़ किया जाता है, और यहाँ पर इसके नोजल से आग निकाली जाती है। यस, तो ये गैस बिल्डिंग का आपको जो है करेक्ट डायग्राम यहाँ पे दिया गया है। बोलिए, समझ में आ गया आप लोग को? यस सर। यस, ठीक ना।
तो गैस बिल्डिंग से मेटल वगैरह जोड़ने के लिए, बहुत तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हुआ करता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इससे क्रिएट हो जाता है और बहुत छोटे छोटे जगहों पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें ऑक्सीजन का सिलेंडर इस्तेमाल किया जाता है, क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कंप्लीट कम्बशन हो जाए। इवन यदि हम ये देखिए, बहुत प्यारा डायग्राम इसका, एक बहुत ही सुंदर सा डायग्राम यहाँ पे आपको दिखाई देगा। इसमें ये देखिए कितनी क्लियर ब्लू फ्लेम दिख रही है इस गैस बिल्डिंग की, कितनी क्लियर ब्लू फ्लेम है। ये किसका कमाल है? ये ऑक्सीजन का कमाल है। ऑक्सीजन जब आप सफिशियंट दोगे तो बहुत अच्छी बर्निंग होगी, बहुत ही अच्छी बर्निंग होगी जब आप ऑक्सीजन सफिशियंट देंगे। और बहुत जोरों का टेम्परेचर यहाँ पर क्रिएट होगा ड्यू टू दिस वेल्डिंग। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे क्लियर ब्लू फ्लेम बन रही है। ओके, यस, डन। तो आपने देखा कंप्लीट कंबशन। पढ़ो बेटा स्वास्थी, कंबशन आर ऑफ टू टाइप्स। कंप्लीट कंबशन, कंप्लीट कंबशन, इन दिस कंबशन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, सी प्लस ओ टू गिव्स सीओ टू। एग्जैक्टली, सी प्लस ओ टू सीओ टू। नेक्स्ट, इनकंप्लीट कंबशन, इनकंप्लीट कंबशन, लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज देयर, सी प्लस ओ टू गिव्स सीओ प्लस सीओ टू। हाँ देखिए, यहाँ पर अगर आप, इनकम्प्लीट कंबशन करेंगे तो दो तरीके की गैसें निकलेंगी। कंप्लीट में केवल आपको CO2 मिल रही थी, ओके? और अगर इनकम्प्लीट कंबशन करेंगे तो सीओ मिलेगी, जिसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है ना, वो जहरीली गैस है एक तरीके से देखा जाए तो, परेशान करती है वो। ओके, ये कार्बन। अब मुझे बताओ समर्थ, कि इसमें इन दोनों डायग्राम में से कौन सा कंबशन कंप्लीट है, फर्स्ट वाला या सेकेंड वाला, कौन सा कंबशन कंप्लीट है? सर वो क्लास में नहीं है। ओके, तो स्वास्थी आप बताइए कौन सा कंबशन कंप्लीट वाला है, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? सर फर्स्ट वाला। एग्जैक्टली, फर्स्ट वाला कंबशन कंप्लीट है क्योंकि यहाँ पर ब्लू फ्लेम मिल रही है, और सेकंड वाला कंबशन इनकम्प्लीट है क्योंकि यहाँ पर येलो फ्लेम मिल रही है। पढ़ो बेटा, इफ कंबशन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कंप्लीट। इफ कंबशन ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कंप्लीट, दे रिलीज क्लीन ब्लू फ्लेम। इफ कंबशन ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज इनकम्प्लीट, दे रिलीज सूटी फ्लेम। सूटी, धुएंदार फ्लेम मिलेगी आपको, काले कलर का धुआं, सूट जमा हो जाएगा। तो मतलब इनकम्प्लीट कंबशन जो है तब भी मिलेगा जब आपको ऑक्सीजन की सप्लाई ना हो। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? यस सर। चलिए तो ठीक है, यहीं पर आज की क्लास फिनिश करेंगे हम लोग, और कल जो है मे बी इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा, कल इसको फिनिश करेंगे। अगर अभी टेस्ट पेपर देने का मौका मिलेगा तो मैं एक टेस्ट पेपर आप लोग को दे दूंगा। ठीक है, स्वास्ति, क्लास ओवर करते हैं। बाय बाय बेटा, गुड डे, थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा।